चलो तो स्वैप से स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल, हम लोग ने बेसिक्स ऑलरेडी समझ गया था स्वैप्स का क्या होता है। बीच में अगर कहीं भी दिक्कत आए तो प्लीज रेज योर हैंड या फिर एक बार अनम्यूट करके बोलने लग जाना। सो बेसिकली स्वैप क्या होता है? स्वैप इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। नाउ दीज कैश फ्लोज कैन बी इन एनी फॉर्म। तो सबसे बेसिक जो होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप, जिसको हम लोग पार स्वैप भी बोलते हैं। जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास समझा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मी एंड निहारिका वी आर एंटरिंग इन टू अ स्वैप अरेंजमेंट, तो मैं निहारिका को फॉर एग्जाम्पल 6% इंटरेस्ट पे कर रही हूँ एवरी ईयर ऑन लेट्स सपोज 50 लाख रुपीज। अब ये जो 50 लाख है, दिस इज अ नोशनल अमाउंट। इसको हम नोशनल अमाउंट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये अमाउंट एक्चुअली एक्सचेंज नहीं होता, वी जस्ट एक्सचेंज द इंटरेस्ट रेट्स। मैं उसको 6% दे रही हूँ एंड वो मेरे को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दे रही है, वट एवर इट इज। जनरली हम लोग फ्लोटिंग लिबोर यूज करके कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिबोर है बट अगेन इंडिया में मिबोर भी यूज होता है। ऑल राइट, सो विच इज मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। लेट नाउ दिस इज द बेसिक आइडिया। उसके बाद अभी एक्चुअली इफ यू ऑल हैव गॉन थ्रू सम न्यूज रिसेंटली, ये जो लिबोर रेट्स है ना, इनको इन्होंने यूके में बेसिकली दे हैव चेंज द नेम ऑफ लिबोर टू RFR, बेसिकली रिस्क फ्री रेट बना दिया उन्होंने। तो अभी तक अपडेट नहीं किया है मटीरियल, बट नाउ आई थिंक दे आर यूजिंग RFRs इंस्टेड ऑफ लिबोर एज द वर्ड। सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। कंपनी ए है एंड कंपनी बी है, एक एक जन को 6% फिक्स पे कर रहा है एंड दूसरा वाला बदले में लिबोर पे कर रहा है। नाउ ये हम लोग को परसेंटेजेस, फॉर एग्जाम्पल ये एक समय बेसिक था जहाँ पे हम लोग को लिबोर दिया हुआ है एवरी ईयर का टाइम जीरो पे फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये हम लोग जब वैल्यूएशंस करेंगे तो बहुत काम आएगा हम लोग को। सो बेसिकली हम लोग का जो पेमेंट्स है ना वो कब से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा टाइम वन से। टाइम वन पे पहला पेमेंट होगा, फिर टाइम टू पे होगा एंड दिस विल गो अप टिल टाइम फाइव जब हम लोग का लास्ट पेमेंट होगा। क्लियर? तो 6% तो हम लोग का फिक्स्ड है कि 6% होगा, बट उसके साथ साथ ये जो रेट्स है लिबोर के, ये हम लोग का 1 साल पहले डिसाइड होता है। मतलब यहाँ पे डिसाइड होगा कि टाइम वन पे क्या पेमेंट होगा, सिमिलरली यहाँ पे डिसाइड होगा कि टाइम टू पे क्या पेमेंट होगा। तो टाइम वन वाला जो पेमेंट है दैट इज ऑलरेडी नोन इन एडवांस एट टाइम जीरो। ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग आगे जाके जब वैल्यूएशन करेंगे स्वैप का तब ये हम लोग को यूज आने वाला है। तो यहाँ पे दे हैव बेसिकली गिवन कि सिक्स जो भी लिबोर के रेट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या पेमेंट्स होगा एंड यहाँ पे इन्होंने 50 मिलियंस लिया है। ठीक है, नोशनल अमाउंट। सो बेसिकली 50 मिलियन इंटू 6.6% विल गिव यू 3.3 एंड 6% पे देख लो कॉन्स्टेंट रेट्स आ रहे हैं 3 के। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम अब क्या होता है ना, क्योंकि आई एम पेइंग सपोज लेट्स सपोज 6% एंड निहारिका इज पेइंग मी लिबोर रेट्स, तो क्या आई एम नॉट पेइंग हर 6% पूरा एंड शी इज नॉट पेइंग मी पूरा लिबोर रेट? जो भी उस समय का डिफरेंस होगा, जैसे 6% 6.6 मेरे को मिलना है, सो आई विल गेट 0.6% बेसिकली इफ आई एम रिसीविंग लिबोर, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, वन सेकेंड। रुचिता, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द स्वैप्स एंड बेसिक्स, क्या हमने खाली। ओके, सो स्वैप हम क्यों यूज करते हैं? इसका मोस्टली यूजेस आर कवर्ड इन चैप्टर 23, बट यहाँ पे बेसिक टू कन्वर्ट द नेचर ऑफ लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो लाइबिलिटीज है कंपनी, लेट्स सपोज कंपनी ए का लाइबिलिटीज है इन फिक्स्ड, तो लेट्स सपोज पेंशन का बात करो, फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन का बात करो, जहाँ पे पेंशन कंपनी को एवरी ईयर एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट पे करना है टू द पेंशनर्स। तो वो क्या करेगा, दे विल एंटर इन टू अ स्वैप जहाँ पे उनको फिक्स किसी और से मिलेगा। सो बेसिकली दे आर गेटिंग दिस फिक्स 6% विच दे आर पेइंग आउट एज द लाइबिलिटी एंड बदले में वो लिबोर पे करें। सो दे आर कन्वर्टिंग देयर फिक्स लाइबिलिटी, उनको पे करना है फिक्स्ड में, राइट?
एंड बदले में उनको 6% मिल रहा है. सो वॉट एवर आई एम गेटिंग फ्रॉम योर आई एम पेइंग इट आउट एंड बदले में आई एम पेइंग लिबोर. सो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने अपने फिक्स लाइबिलिटी को फ्लोटिंग में कन्वर्ट किया. नाउ व्हाई विल आई डू दिस, व्हाई विल कंपनी ए डू दिस? कंपनी ए अपने फिक्स लाइबिलिटी को फ्लोटिंग क्यों करेगा, ऐसा क्यों करेगा? एनी एनी आइडिया? इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कंपनी अपने आप को हेज कर दिया। डिक्रीज हाँ डिक्रीज अगर हाँ कंपनी ए को ये लगता है दैट फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने वाले हैं, तो इस केस में क्या होगा, उसको मिलेगा 6% फिक्स्ड, वो पे आउट कर देगा 6% बट एज लाइबिलिटी, बट इनडायरेक्टली उसको पे करना पड़े नेट में लिबोर रेट्स. और लिबोर रेट्स अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में डिक्रीज होने वाले हैं, तो मेरे को इस केस में फिर बेनिफिट हो जाएगा. सिमिलरली कंपनी बी मे बी इज एक्सपेक्टिंग दैट लेबर रेट्स विल एक्चुअली इंक्रीज, तो उसको ज्यादा मिलेगा. दैट इज व्हाट दे डू. अब इस केस में क्या होता है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग के एक्चुअल रेट्स हम लोग को गिवन हो सकता है कि कंपनी ए का जो लाइबिलिटी है दैट इज 6.25%, पॉसिबल कंपनी बी का लाइबिलिटी हो सकता है लेबर प्लस 0.5%, बट दे आर एंटरिंग इन टू अ स्वैप जहाँ पे 6% उसको मिल रहा है एंड यहाँ पे लिबोर. तो नेट इफेक्ट, ये खाली डायग्राम से देख के बताओ, नेट इफेक्ट कंपनी ए का क्या रहा है? कंपनी ए का नेट इफेक्ट इज लिबोर प्लस 0.25% इज द नेट इफेक्ट. सो बेसिकली कंपनी ए इज पेइंग आउट लिबोर प्लस 0.25% बिकॉज कंपनी इज गेटिंग 6% फिक्स्ड, पेइंग आउट 6.25, एंड यहाँ पे स्वैप अरेंजमेंट में पेइंग आउट लिबोर. सो इनडायरेक्टली मेरा कितना बचा, मेरा बचा लिबोर प्लस 0.25% एज दैट आई एम पेइंग आउट. ठीक है, सिमिलरली कंपनी बी का लिबोर उसको मिल रहा है, यहाँ पे उसको लिबोर प्लस 0.5 पे करना है, यहाँ पे 6 पे करना है, तो कंपनी बी का कितना नेट इफेक्ट बचा, 6.5% नेट पे आउट कंपनी बी को करना है. अंडरस्टूड? दिस इज द बेसिक स्वैप अरेंजमेंट जो हम लोग देख रहे हैं. नाउ स्वैप टू ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ लाइफ एसेट्स. सो यहाँ पे क्या होता है कि अगेन मेरा एसेट, फॉर एग्जाम्पल मुझे एसेट से मिल रहा है फिक्स्ड, बट मुझे फ्लोटिंग चाहिए क्योंकि मेरा लाइबिलिटी फ्लोटिंग है. वॉट एवर, सो वॉट आई विल डू इज, जो मुझे मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एसेट से रिटर्न मुझे मिलता है, राइट? तो एसेट से मुझे 6% फिक्स्ड मिल रहा है, वो मैं पे आउट कर दे रहा हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी बी, मुझे 6% मिल रहा है, आई एम पेइंग आउट 6%, एंड आई एम गेटिंग इन रिटर्न लिबोर. सो आई एम कन्वर्टिंग माई एसेट, फिक्स एसेट इंटू फ्लोटिंग एसेट, अगेन विद द होप दैट फ्लोटिंग रेट्स विल इंक्रीज इन फ्यूचर, राइट? सो ये दो मेन बेस होते हैं या फिर दो मेन आइडियाज होते हैं व्हाई वी एंटर इनटू अ स्वैप. नाउ देर आर मल्टीपल वेज विच आर अगेन मेंशन लेटर ऑन. अरेंजिंग अ स्वैप इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके भी, विच इज नोन एज बेसिकली कंपेरेटिव एडवांटेज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए एंड बी जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, देर इज एन इंटरमीडियरी एंड दैट इंटरमीडियरी इज यूजली अ बैंक. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा अरेंजमेंट हम लोग को दिख रहा है कि कंपनी ए 6.25 पे कर रहा है, कंपनी बी जो भी पे कर रहा है, नाउ देर इज अ बैंक इन बिटवीन. तो होता क्या है कि कंपनी ए इज गेटिंग अरेंज्ड इनटू अ स्वैप विद द बैंक, सिमिलरली कंपनी बी इज गेटिंग अरेंज्ड इनटू अ स्वैप विद द बैंक, एंड बदले में बैंक एक अपना नेट कमीशन बनाता है. ठीक है, सो दैट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू दिस डायग्राम. फॉर एग्जांपल कंपनी ए एंटर कर रहा है स्वैप में विद द बैंक, सेम स्वैप है, वो लिबोर पे कर रहा है, जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग 6% ही इज नाउ गेटिंग 5.9% बिकॉज दिस 0.1% इज द कमीशन फॉर द बैंक. सिमिलरली कंपनी बी का भी सेम है, लिबोर मिल रहा है, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग आउट 6% द कंपनी इज पेइंग 6.1%. तो ये एक्स्ट्रा 0.1% जो ये पे कर रहा है, एंड यहाँ पे जो उसको मिनिमम जो बेसिकली 0.1% कम मिल रहा है, तो 0.2% का जो प्रॉफिट आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लो, बैंक का लिबोर मिला, लिबोर हमने पे आउट कर दिया. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 6.1 मिला एंड 5.9 हमने पे आउट कर दिया बीइंग अ बैंक. तो 0.2% जो मेरा बच रहा है ना एज अ बैंक, दैट इज माय प्रॉफिट और कमीशन. ठीक
ठीक है, ये बैंक का कमीशन है। सिमिलरली ये जो हमारे लाइबिलिटी से जो बैंक कंपनी ए एंड कंपनी बी पे आउट करे। नाउ ये एक बेसिक अरेंजमेंट है, इस पे एक सम आ सकता है विच इज कंपेरेटिव एडवांटेज का सम। तो वो सम हम एक बार देख लेते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सम। एक सेकंड, इस चैप्टर में नहीं है शायद, बाद वाले चैप्टर में, बट एक बार देख लेते हैं। तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग सम है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज चैप्टर 23 का क्वेश्चन। एक बार जल्दी से रीड करते हैं क्वेश्चन को। सो इसमें क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश कंपनी है यूपीएक्स विशेष टू, सो बेसिकली क्या होता है, हमें कंपेरेटिव एडवांटेज देखते हैं। कंपेरेटिव एडवांटेज का क्या मीनिंग है यहाँ पे समझते हैं हम लोग। सो ब्रिटिश कंपनी इज देयर UPX विशेष टू बोरो इन यूरोस एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यूपीएक्स जो कंपनी है, यूपीएक्स को बोरो करना है यूरोस में एंड एट अ फिक्स रेट। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ EPQ इज अनदर कंपनी जिसको पाउंड्स में बोरो करना है एट अ वेरिएबल इंटरेस्ट। तो ये दो मेन चीज हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि किसको किसमें बोरो करना है। दे वॉन्ट टू बोरो इन दीज रेट्स। बोथ कंपनीज वॉन्ट टू बोरो फॉर द सेम टाइम पीरियड एंड फेस द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। तो ये इनका प्रोबेबिलिटीज दिया, इंटरेस्ट रेट सॉरी दिया हुआ है कि कितना कितना इंटरेस्ट में इनको मिलेगा। तो इस टेबल से सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसका किसमें कंपेरेटिव एडवांटेज है। तो कैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पाउंड देखते हैं। पाउंड में EPQ लिबोर प्लस, मतलब अगर EPQ लोन लेने जाता है मार्केट में तो उसको कितने में लोन मिलने वाला है, लिबोर प्लस 0.7% पे उसको लोन मिलने वाला है अगर वो पाउंड में लोन लेता है। यूपीएक्स लोन लेने जाएगा तो उसको पाउंड लिबोर पाउंड वेरिएबल में लिबोर प्लस 0.1 पे करना पड़ेगा, और अगर वो यूरो फिक्स में लेंगे तो EPQ को 4% एंड यूपीएक्स को 3.7%। तो इसमें देख के क्या समझ में आ रहा है कि किसका किसमें एडवांटेज है इन द मार्केट करंटली, कि वो अगर इसमें लोन लेगा तो उसमें उसका बेटर ऑफ होगा। एक बार ट्राई करो कैलकुलेट करने का खुद से। क्या लग रहा है बताओ। अंकित ट्राई करो। तुम लोग के क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों में से कौन सा अट्रैक्टिव है वैसा, मतलब हाँ, मतलब क्वेश्चन छोड़ दो अभी, खाली ये देखो कि कौन सा, जैसे EPQ है, EPQ कौन से इंटरेस्ट में बोरो करेगा तो उसका बेटर ऑफ होगा, ये ट्राई इधर करो वेरिएबल और समझाने का। फिक्स, ये दो में से अच्छा हाँ करेक्ट, अच्छा मतलब कौन से कंपनी के लिए कौन सा बेटर है। तो हम लोग को लिबोर का रेट नहीं पता अभी। लिबोर से मतलब नहीं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो सेविंग्स किसमें ज्यादा हो रहा है किसी सबका मिला के। देखो सो बेसिकली मैं समझाती हूँ। देखो EPQ है, अगर EPQ इसमें लेता है फिक्स में, यूरो फिक्स में, तो उसका आता है 4% पे करना, ठीक है, विच इज 0.3% लेस देन यूपीएक्स। एंड यहाँ पे अगर वो वेरिएबल में लेगा तो लिबोर प्लस 0.7 देना है, विच इज 0.6% एक्स्ट्रा इससे। तो यहाँ पे वो 0.3% बचा रहे ना अपना, मतलब अगर तुम ऐसे जाए कि यूरो फिक्स में अपना, यहाँ पे वो इससे कम ज्यादा ही पे कर रहे हैं,
इसमें भी वो ज्यादा पे कर रहा है, बट वो यहाँ पे 0.3% ही एक्स्ट्रा पे कर रहा है, वेरस यहाँ पे वो 0.6% एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो ईपीक्यू क्या करेगा? ईपीक्यू अगर दोनों कंपनी का हम देखें, ईपीक्यू का कंपेरेटिव एडवांटेज 4% में, क्योंकि इसमें उसका सेविंग्स ज्यादा है, 0.3% का डिफरेंस है। सिमिलरली यूपीएक्स का समझो, यूपीएक्स यहाँ पे 0.3% कम पे कर रहा है, बट यहाँ पे वो 0.6% कम पे कर रहा है, तो वो किस पे किस में लेगा लोन? बोले बोर प्लस 0.1% पे लेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ यस ठीक है, तो यूपीएक्स एंजॉयज कंपेरेटिव एडवांटेज इन वेरिएबल एंड ईपीक्यू एंजॉयज इन फिक्स रेट। अब ये है जब उन लोग एक दूसरा से स्वैप अरेंज नहीं कर रहे, तो उन लोग का ये अलग अलग उन लोग ये एंजॉय करेंगे। बट उन लोग चाहते क्या है? ईपीक्यू चाहता है कि वो वेरिएबल में परचेज करे एंड यूपीएक्स चाहता है, वन सेकेंड कोई ज्वाइनिंग कर रहे क्या? अच्छा, एंड ईपीक्यू चाहता है कि वो वेरिएबल में करे, यूपीएक्स चाहते कि वो फिक्स में करे। तो बेसिकली अगर हम, अब क्वेश्चन में बोला है कि, और दोनों जन ऑब्वियसली साथ में नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते एज सच नहीं है, दे विल एंटर इट थ्रू अ बैंक। तो अ लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंक इज टू अरेंज अ स्वैप फॉर द टू कंपनीज एंड रिक्वायर अ मार्जिन ऑफ 10 बेसिस पॉइंट। 1 बेसिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 0.01%, तो 10 बेसिस पॉइंट हो गया 0.1%। ठीक है, तो उसको जो बैंक है, बैंक को अपना प्रॉफिट बनाना है 0.1% का। द रिमेनिंग गेन्स फ्रॉम द स्वैप आर टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू कंपनीज टू एंश्योर दैट दे फेस नो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन द इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स। अब एक बार ना, जो अभी तक हम लोग समझे, एक बार उसको आके हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो दो कंपनी है, एक यूपीएक्स है यहाँ पे और एक ईपीक्यू है। ठीक है, यूपीएक्स मार्केट से जब वो बोरो कर रहा है तो लिबोर प्लस 1% पे बोरो कर रहा है, तो यूपीएक्स बोरो कर रहा है लिबोर प्लस 0.1% पे। ठीक है, ईपीक्यू बोरो कर रहा है 3 पॉइंट नहीं, ईपीक्यू बोरो कर रहा है 4% पे। ये था ना, देख लो मार्केट में दे आर डूइंग लाइक दिस, यही है, देख लो ईपीक्यू 4% आ रहा है। अब मैंने एक्चुअली ऑपोजिट बना दिया, कंफ्यूज में तो ना। तो अब एक बीच में हमारा आ जाएगा बैंक, तो बैंक के साथ हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि बैंक का प्रॉफिट बने 0.1% का, एंड इस पूरे अरेंजमेंट में जो भी और एक्स्ट्रा फायदा है, उस एक्स्ट्रा फायदा को हम लोग यूपीक्यू यू एंड ई में इक्वली डिवाइड करेंगे, ईपीक्यू एंड यूपीएक्स में। तो ये फायदा कैसे निकालना है ये समझते हैं। सबसे पहले तो अगर इन लोग स्वैप में अरेंज नहीं करते, तो इन लोग उसमें ही पर्चे उसमें ही लोन लेते जिसमें इनका मन है। ईपीक्यू का मन है लिबोर प्लस 0.7 में, वेरिएबल में मन है, यस और नो? वेरिएबल में मन है, क्लियर? एंड इसका मन है फिक्स में। तो देखो क्या होता अगर ये स्वैप में अरेंज नहीं होते, अगर ये स्वैप में एक दूसरे से एंटर नहीं करते, तो ये पे करते लिबोर प्लस 0.7% प्लस 3.7%। अगर ये स्वैप में अरेंज नहीं होते तो ये इतना पे करते, इतना पे करते, बट क्योंकि दे आर एंटरिंग इनटू अ स्वैप, सो दे विल एक्चुअली, क्योंकि दे आर एंटरिंग इनटू अ स्वैप, दे कैन एक्चुअली गो इनटू द मार्केट एंड टेक लोन इन वॉट एवर कंपेरेटिव, इन वॉट एवर दे हैव द कंपेरेटिव एडवांटेज इन। सो दिस इज बेसिकली एल प्लस 0.1% प्लस 4%। तो ये मेरा स्वैप में अरेंज होने का, स्वैप में एंटर करने का प्रॉफिट है। अंडरस्टूड? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार देख लो तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाली एक बार देख लो बस, एल प्लस 0.7% प्लस 3.4। ये वाला में एक्चुअली ईपीक्यू को एंटर करना था और ये वाला में यूपीएक्स को, ये इनका मन था करने का, बट सिंस इस इनमें इनका कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं था, दे थॉट कि हम मार्केट से अपना जिसमें भी कंपेरेटिव एडवांटेज है उसमें एंटर करते हैं और फिर आपस में हम उसको एक्सचेंज कर देंगे। तो ये इनका फिर
अभी करंट मार्केट से उन्होंने इसमें एंटर किया है जिसमें इनका कंपेटिटिव एडवांटेज है, और वो चाहते ये वाले हैं। सो दिस इज बेसिकली विदाउट स्वैप एंड दिस इज आफ्टर इफ दे एंटर इनटू अ स्वैप, तो ये मार्केट में वो इससे लेंगे। एक बार ये देख के बताओ क्लियर है कि नहीं। रुचिता क्लियर है? निहारिका यस दी, आप एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना फिर से। हाँ, क्वेश्चन का एक काम करो, या तो फोटो क्लिक कर लो। मैंने क्वेश्चन अभी तक आगे पढ़ा नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि क्या है पूरा बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसा पूरे SP5 में एक ही और क्वेश्चन मिलेगा विच इज देयर इन द एक्स असाइनमेंट। नो दिस इज आई थिंक एक्स असाइनमेंट भी नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि रिविजन नोट्स में भी ऐसा आया नहीं आज तक, मतलब पास पेपर्स में ऐसा आया नहीं अभी तक, बट दे कैन गिव यू। सो एक ही जगह मिलेगा, यू विल गेट जस्ट वन क्वेश्चन ऐसा। इसका क्या आ रहा है आंसर बताना। सो 0.3% का उनको प्रॉफिट हो रहा है, राइट? करेक्ट। तो बेसिकली जो 0.3% है ना, ये 0.3% स्वैप में एंटर होने का हम लोग को प्रॉफिट है टोटल। अब इसको कैसे बांटना है तीन पार्ट में, क्योंकि 0.1% तो बैंक ले जाएगा जो बोल रहा है कि आई विल यू नो मेक श्योर कि आप लोग का जो ये ट्रांजैक्शन में आप लोग एंटर कर रहे हो ये सब स्मूथली हो, बिकॉज वाई बैंक इज देयर। बैंक जनरली क्या करता है ना, बैंक करता है समथिंग कॉल्ड एज, बैंक करता है समथिंग कॉल्ड एज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग ऑफ, ये वर्ड है इसी में मेंशन्ड है, वेयर हाउसिंग ऑफ स्वैप्स। तो जैसे कि हम लोग क्लियरिंग हाउस का बात कर रहे थे ना, जस्ट लाइक दैट बैंक के पास UPX गया, बोला कि मुझे इसमें एंटर करना है इस पर्टिकुलर स्वैप अरेंजमेंट में, तो जरूरी नहीं है कि देर इज EPQ ऑलरेडी देर। तो बैंक का एक यू नो लॉस है या फिर क्रेडिट रिस्क है बेसिकली, कि UPQ अगर अपना ट्रांजैक्शन नहीं फुलफिल करेगा, अपना ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल करेगा, तो बैंक विल फेस दैट पर्टिकुलर रिस्क। तो इसीलिए वो एक ऑब्वियसली प्रीमियम चार्ज करते हैं या फिर फीस चार्ज करते हैं, विच इज 0.1%। एंड इन्होंने क्वेश्चन में बोला जो रेस्ट प्रॉफिट है, मतलब 0.2% का जो प्रॉफिट बचा, अब उसको 0.1% में दोनों एक दूसरे को बांट लेंगे। तो अब पूरा अरेंजमेंट कैसे होगा समझना। तो बेसिकली यहाँ पे अब UPX, देखो प्रॉफिट कितना हम लोग का बच रहा है, 0.1 का हम लोग को करना है। UPX को लेना किसमें था, इसमें UPX को एंटर करना था लिबोर प्लस लिबोर वाले में, एंड EPQ को एंटर करना था फिक्स वाले में। क्लियर? फिक्स वाले में, इसमें 3.7 पे बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, ये UPX बैंक को पे करेगा लिबोर में प्लस समथिंग, सो दैट, और उसको मिलेगा यहाँ पे, लेट्स सपोज, चलो हम लोग, मैंने उल्टा बोल दिया है, कैसे बार मैं आंसर खोल के देखती हूँ दोबारा से। UPX को बोरो करना था यूरोज में एंड EPQ को बोरो करना था वेरिएबल में। हाँ, तो UPX को फिक्स में बोरो करना है। तो UPX को अगर फिक्स में बोरो करना है तो उसको, इसको पूरा कैंसिल आउट करना पड़ेगा, लिबोर जो वो पे कर रहा है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए वो बैंक से मांगेगा कि मेरे को तुम इतना पूरा दे दो, तो मेरा ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं किसमें पे करूंगा तुम्हें, आई विल पे यू इन फिक्स। सो लेट्स सपोज 3.7 रखते हैं अभी के लिए, लेट्स कीप इट एट 3.7। इज दिस क्लियर? UPX वाला, तो UPX का क्या हुआ, UPX का ऑल इन ऑल ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा खाली 3.7%। दैट इज व्हाट दे वांटेड टू डू। UPX वांटेड टू एंटर इनटू फिक्स, EPQ वांटेड टू एंटर इनटू वेरिएबल। तो वो ये 4% जो दे रहा है वो बदले में बैंक से 4% मांगेगा, एंड लिबोर प्लस 0.7 उसका मार्केट में रेट था, तो वो उतना में उतना उसको पे करेगा। यस, इज दिस क्लियर? ये वाला एक बार देख लो क्लियर है। रुचिता, इज दिस क्लियर? नहीं मैम, थोड़ा स्टार्टिंग क्वेश्चंस थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो समवेयर आई एम लॉस्ट।
बेसिकली ये समझो कंपेरेटिव एडवांटेज तुमको क्लियर हुआ कि यहाँ पे कंपेरेटिव एडवांटेज कैसे ईपीक्यू का फिक्स में है एंड यूपीएक्स का वेरिएबल में है, ये चीज क्लियर हुआ? जैसे देखो यहाँ पे अगर ये लिबोर प्लस 0.7 में एंटर करता है, ठीक है, तो इसका कितने का सेविंग, इसको एक्स्ट्रा कितना पे करना है, 0.6% पे करना है ना कंपेयर टू यूपीएक्स, हाँ और यहाँ पे 0.3% एक्स्ट्रा पे करना है खाली, हाँ तो इसमें खाली 0.3 करना है, तो ई का बेनिफिट फिक्स रेट में हुआ ना मार्केट हाँ में, और यू हाँ का बेनिफिट एल प्लस 1.1% में हुआ, हाँ करेक्ट क्योंकि यहाँ पे उसको सेविंग्स हो रहा है 0.6% का और यहाँ पे उसका खाली 0.3 का सेविंग हो रहा है, हाँ तो ये इनका मार्केट में कंपेरेटिव एडवांटेज है। बट उनका वॉन्ट क्या है, उनका वॉन्ट है कि ईपीक्यू को ये चाहिए, ईपीक्यू को पे करना है वेरिएबल में, ठीक है, ईपीक्यू को पे करना है वेरिएबल में एंड यूपीएक्स को पे करना है फिक्स में, ये इनका वॉन्ट है, ये हम लोग को समझना है। तो ये क्लियर है यहां तक? हाँ अब तुम ये समझो कि तुमको सेविंग्स निकालना है कि अगर हम स्वैप में एंटर करें तो मेरा सेविंग्स क्या होगा। बेसिकली तुम मार्केट से जिसमें भी तुम्हारा कंपेरेटिव एडवांटेज होगा तुम उसमें, फॉर एग्जांपल लेट्स इमेजिन रुचिता दैट तुमको 4%, लेट्स इमेजिन कि ये रुचिता है, ईपीक्यू इज रुचिता, तो रुचिता को बेनिफिट मिल रहा है 4% लोन पे एंड मेरे को बेनिफिट मिल रहा है लिबोर प्लस 0.1% पे, बट मेरा वॉन्ट था फिक्स एंड तुम्हारा वॉन्ट था वेरिएबल, तो हम लोग आपस में डिसाइड किए कि हम लोग मार्केट में जिसमें भी हम लोग को एडवांटेज है हम लोग उसके साथ एंटर कर लेंगे मार्केट में एंड आपस में फिर हम लोग उसको एक्सचेंज कर लेंगे ताकि हमारा ऑल इन ऑल सेविंग हो जाए। इज दिस क्लियर? हाँ तो ये थोड़ा है कंफ्यूजिंग, दिस इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग। अब हम लोग को वो सेविंग्स निकालना है, तो सेविंग्स होता है बिफोर माइनस आफ्टर, तो बिफोर इज बिफोर स्वैप हमारा क्या अरेंजमेंट था, तो बिफोर स्वैप हमारा अरेंजमेंट ये होता कि जो हमारा वॉन्ट है, सपोज मैं और रुचिता वी आर नॉट कोलाइडिंग और वी आर नॉट, लेट्स सपोज वी आर नॉट कॉर्डियल विथ ईच अदर, तो मेरे मेरा जो वॉन्ट है ऑब्वियसली मैं वही करूंगी एंड रुचिता का जो वॉन्ट है वो वही करेगी, तो मेरा वॉन्ट है ईपीक्यू का वॉन्ट है वेरिएबल, तो ईपीक्यू एंटर करेगा लिबोर प्लस 0.7 पे एंड यूपीएक्स का वॉन्ट है फिक्स में, तो यूपीएक्स फिक्स में एंटर करेगा, सो दिस प्लस दिस, ठीक है, इज द मार्केट इंटरेस्ट, इज देयर वॉन्ट, दैट इज व्हाट दे आर एंटरिंग इनटू फ्रॉम द मार्केट बिकॉज वी आर नॉट फ्रेंडली विथ ईच अदर। तो कितना आया इसको ऐड करो एक बार रुचिता, लिबोर प्लस 3.7 प्लस 3.7 को कितना आएगा, लिबोर प्लस फोर एल पॉइंट फोर आएगा, टू पॉइंट फोर हाँ ठीक है, तो ये जो 4.4 आ गया, अब हम लोग अगर कॉर्डियल एक दूसरे से फ्रेंडशिप में आ जाए और हम लोग बोले कि यार नहीं हम लोग लेट्स एंटर इनटू अ स्वैप एंड इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ स्वैप ऑब्वियसली, तो हम लोग जो हम लोग का मार्केट में बेनिफिट अब होगा, अब हम लोग मार्केट से उसी में उठाएंगे पैसा, तो ईपीक्यू का बेनिफिट है 4% एंड यूपीएक्स का बेनिफिट है एल प्लस 0.1%, तो अब ये क्या आ गया, एल प्लस 4.1% आ गया, हाँ तो क्या आया, पहले था एल प्लस 4.4, अब है एल प्लस 4.1, तो माइनस करके कितना आया, 0.3% आया, दिस हाँ 0.3% इज द सेविंग्स आफ्टर यू एंटर इनटू अ स्वैप विथ ईच अदर, अंडरस्टूड? हाँ अब ये जो 0.3% है इसको हमको डिवाइड करना है, हमें बैंक को भी देना है क्योंकि बैंक इज एन इंटरमीडियरी एंड हम आपस में भी एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो बैंक को मिलेगा 0.1% एंड हम दोनों, बिकॉज यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है कि जो भी बचे हुए हैं जो भी बचा हुआ गेन है दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू कंपनीज, तो 0.2% मतलब 0.1 मेरा 0.1 तुम्हारा, वैसे हमारा 0.1 0.1 करके तीनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसको हम लोग को कैसे डील करना है ये समझना है, ये मैंने जो यहाँ पे बनाया है
इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, ये मैं हटा देती हूँ, ये सब का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने एंटर किया मार्केट से, ये हमने एंटर किया मार्केट से बिकॉज हम लोग क्या, हम लोग कॉर्डियल हैं एक दूसरे से, जिसमें भी हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज है हमने उसमें एंटर कर लिया। आफ्टर दिस हम लोग एक्चुअल में ये यू जो है, यू चाहता था कि वो फिक्स में एंटर करे, तो वो अपना जो वेरिएबल है उसको कैंसिल आउट करना चाहता है, तो वो बैंक को बोलेगा मेरे को एल प्लस 0.1 दे दो। ई चाहता था कि वो फिक्स में एंटर करे, सॉरी फ्लोटिंग में एंटर करे, तो वो 4 पे करे और वो बैंक से 4 ले रहा है, तो उसका 4-4 कैंसिल आउट हो गया, बचा ये वाला। क्लियर? इज दिस क्लियर? यहाँ तक बताओ, थोड़ा ट्रिकी है बट एक बार क्वेश्चन का फोटो भी क्लिक कर लो तो और समझ में आएगा। नाउ द थिंग इज कि वो जो प्रॉफिट है वो कैसे डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम लोग को ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम लोग का वो प्रॉफिट दिखे। तो उसको कैसे दिखाते हैं समझो, इसका एक तरीका होता है। सो लेट्स से सपोज यूपीएक्स को, ठीक है रुचिता, यूपीएक्स को फिक्स्ड में एंटर करना है, देख लो यूपीएक्स को फिक्स में एंटर करना है, राइट? तो यूपीएक्स को फिक्स में एंटर करना है मतलब वो अपना ये जो लिबोर वाला चीज है इसको वो कैंसिल आउट करना चाहता है, ठीक है? इसको वो कैंसिल आउट करेगा, तो कैसे कैंसिल आउट करेगा, बैंक से इसको ये मिला, तो ये हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा फिक्स है। बट द थिंग इज कि हम लोग को बैंक को थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ताकि बैंक का प्रॉफिट हो, है ना, एंड हमारा भी प्रॉफिट हो। तो हम बैंक को बेसिकली इधर 3.6% देंगे इंस्टेड ऑफ पेइंग 3.7, 0.1% हम कम पे करेंगे ताकि हमारा 0.1% का प्रॉफिट हो। सिमिलरली जो ईपीक्यू है, ईपीक्यू को एंटर करना है इन फ्लोटिंग, तो ये जो पूरा फिक्स है ना जो किसी और को मार्केट में दे रहा है, अब वो फिक्स बैंक से ले लेगा। तो यहाँ पे फिक्स और यहाँ पे फिक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा एल प्लस 0.7। बट एल प्लस 0.7 वो क्यों नहीं पे करेगा, वो तो मार्केट में पे कर लेता, तो स्वैप का फायदा क्या हुआ। अगर 0.7% ही पे करना होता तो वो मार्केट में भी कर सकता था। देख लो क्वेश्चन का प्लीज फोटो क्लिक कर लो, 0.7% अगर मेरे को स्वैप में एंटर होके देना ही है तो मैं स्वैप में एंटर करके इतना मेहनत करके व्हाट इज द पॉइंट। दैट इज व्हाई आई विल पे 0.1% लेस, बिकॉज मेरा सेविंग्स कितने का करना है, मेरे को 0.1% का करना है, तो एल प्लस 0.6%। अब एक बार इसका पूरा फाइनल कैलकुलेशन समझो कितना आ रहा है। यू का बेसिकली क्या आ रहा है, यू इज पेइंग आउट माइनस एल प्लस 0.1% ये वाला, एंड उसको मिल रहा है एल प्लस 0.1%, एंड यहाँ पे वो पे कर रहा है माइनस 3.6%। सो ऑल इन ऑल कितना आया, माइनस 3.6% आया। सिमिलरली अगर ई का निकालोगे तो ई का आएगा एल प्लस 0.6%। नाउ दिस इज व्हाट दे वांटेड, दिस इज व्हाट दे वांटेड। एंड अगर बैंक का निकालोगे, बैंक का देखो निकालो कितना आ रहा है, जिदा ट्राई करो बैंक का निकालने का, प्लस माइनस करो। सो बेसिकली बैंक को मिल रहा है 3.6%, वो पे कर रहा है 4%, यहाँ पे वो पे कर रहा है एल प्लस 0.1%, एंड यहाँ उसको मिल रहा है एल प्लस 0.6%, तो कितना आया 0.1%। ये क्लियर है क्या रुचिता, देखो एक बार इसको दोबारा करना पड़ेगा आप लोगों को से। बैंक का तो पॉइंट देख सकते हैं, ये नहीं आ रहे क्या दोनों पॉइंट? जन 0.1% ऐसे मतलब दे रहा था ना, हाँ
सो बैंक बैंक को को कितना आया? 0.2% मिलना चाहिए था। नहीं बट यहाँ कैलकुलेट करो एक बार क्या आ रहा है, 0.4 एंड यहाँ पे हाँ सही है 0.5 माइनस माइनस हाँ 0.1 ही आ रहा है। नहीं क्योंकि पॉइंट यहाँ पे देखो ना यहाँ पे वो बैलेंस आउट हो जा रहा है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग जो ये 3% निकाले ना 0.3% इसको हम लोग देखो इसको ना सम को करने का एक तरीका है वरना एग्जाम में नहीं कर पाओगे। हमेशा जो भी जिसका भी कंपेरेटिव एडवांटेज होगा वो तो यहाँ ले लेना, मतलब वो उसमें पे कर देगा। सेकंड थिंग मेक श्योर ये करना कि जिसमें मेरा कंपेरेटिव एडवांटेज है मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा चाहिए, तो मैं 4% लेके ई क्या कर रहा है 4% पे कर रहा है और 4% वो ले ले रहा है वापस, है ना। 4% को ले भी ले रहा है एंड 4% को पे भी कर दे रहा है, तो उसका वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये हमेशा करना एंड देन ट्राई टू कैलकुलेट दिस पार्ट कि मेरा देखो बिफोर अरेंजमेंट ई को अगर एंटर करना होता फ्लोटिंग में तो वो एल प्लस 0.7% पे करता, और अगर अभी भी वो एल प्लस 0.7% ही पे करेगा तो स्वैप में एंटर करने का फायदा क्या हुआ? स्वैप में एंटर करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो वो एल प्लस 0.6 में करेगा, 0.1% का उधर उसको फायदा हो गया। सिमिलरली यू का देखो, यू अभी बाहर मार्केट में पे करे एल प्लस 0.1%, बट मार्केट में तो मतलब मार्केट में वो इतना पे कर रहा है तो वो इतना ले लेगा बैंक से क्योंकि उसको इतना चाहिए ही नहीं, उसको फ्लोटिंग चाहिए ही नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसको पे करना है फिक्स में, तो वो फिक्स में 3.7 क्यों पे करेगा, वो तो उससे कम करेगा ना 0.1% उसका प्रॉफिट हो जाए। तो ऑल इन ऑल जब देखेंगे ना बैंक का 0.1 ही आएगा, जो चाहिए हम लोग को बैंक के लिए हमेशा वही आएगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी है और इसका मल्टीपल सोल्यूशन होता है, मतलब दिस इज वन ऑफ अ सोल्यूशन, तुम और भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब तुम ऐसे कर सकते हैं कि ई इज बेसिकली यहाँ पे जो है इंस्टेड ऑफ गेटिंग 4% ई इज गेटिंग 3.9% एंड यहाँ पे वो एल प्लस 0.7% पे कर रहा है, तो ऑल इन ऑल 1.1% का ही फायदा आया। अंडरस्टूड? तो उसका मतलब यू कैन हैव मल्टीपल सोल्यूशंस फॉर द सेम। रुचिता क्लियर है थोड़ा बहुत एटलीस्ट? हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको दोबारा खुद से करना एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज चैप्टर 23 क्वेश्चन 6, 6 ही है ना। हाँ तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको गो थ्रू करने से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने अभी इसीलिए करा दिया ना क्योंकि वो स्वैप से कंटिन्यूएशन नहीं है, तो क्लैरिटी आ जाएगा इसका ना। मैं शेयर कर दूंगी ये वाला, तो क्लियर रहेगा। अंडरस्टूड निहारिका? हाँ दी अंडरस्टूड। चलो ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक, थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर, बट ये एक्चुअली बहुत आई अच्छा हैव था। वन क्वेश्चन। तो जैसे कि हम लोग बेसिकली इसमें अज्यूम करें कि उनको जो रेट पे चाहिए, फॉर एग्जांपल ईपीक्यू ने बोला कि उसको 4% फिक्स पे लेना है, तो वी आर अज्यूमिंग कि उनको जो रेट पे लेना है दैट इज द रेट दे हैव टू पे आउट टू समवन एल्स, राइट? यस बेसिकली देखो क्या होता है ना, ईपीक्यू का हो सकता है देर आर एसेट्स जो जिससे उसके फ्लोटिंग रेट आ रहे हैं जिसको उसको फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो रहा है कि वो फ्लोटिंग में एंटर करना चाहता है कि वो पे फ्लोटिंग करे। हो सकता है कि वो उसको लगता है कि फ्यूचर में फ्लोटिंग रेट गिर जाएगा तो उसको कम पे आउट करना पड़े, ठीक है। व्हाट मतलब देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, द थिंग इज कि उसका वांट क्या है, दो चीजें ध्यान रखनी कि उसका वांट क्या है एंड उसका कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें। अंडरस्टूड। इसमें इसका ना एक और सम है, मैं बताऊंगी कौन सा असाइनमेंट का एक सम है, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका सोल्यूशन मे नॉट मैच विथ योर सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सोल्यूशन आर पॉसिबल। जैसे मैंने बोला कि एक और सोल्यूशन हो सकता है कि यहाँ पे वो 11.7 ही दे बट उसको बदले में 3.9 मिले, तो अगेन इट विल बैलेंस आउट। तो कुछ भी हो सकता है, जस्ट दैट यू फॉलो वन अप्रोच एंड
बेसिकली व्हाट आई फॉलो इज, मैं जिसमें दे रही हूँ वही मैं बैंक से लेना चाहती हूँ, एंड वो पूरा कैंसिल आउट करना चाहती हूँ. एंड देन अगेन जो स्वैप में मैं पे कर रही हूँ इन द स्वैप, दैट कैन बी लेसर अमाउंट. तो दिस इज जनरली व्हाट आई फॉलो. ठीक है, ऑलराइट. सो नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ से फिर. दिस इज बेसिक, ये इन्होंने बेसिक बताया जहाँ पे इन्होंने खाली बताया कि बैंक का प्रॉफिट कैसे रहेगा, बट एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है कि कंपेरेटिव एडवांटेज किसी का किस में है, किसी का किस में है, एंड अकॉर्डिंगली दे एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस. ऑलराइट, सो नाउ अलोंग विद इंटरेस्ट रेट स्वैप हम लोग करेंसी स्वैप पढ़ेंगे, बट इंटरेस्ट रेट स्वैप के काफी वेरिएशंस होते हैं. तो फॉर एग्जांपल जीरो कूपन स्वैप हो गया. सो जीरो कूपन स्वैप इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप, बट हर एक पेमेंट को, जैसे हम बोले ना पांच पेमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल वी आर एंटरिंग इन टू अ स्वैप ऑफ 5 ईयर्स, जहाँ पे एवरी ईयर के एंड पे वी आर पेइंग अमाउंट. तो एवरी अमाउंट इज कंसिडर्ड सेपरेटली, तो उसको हम जीरो कूपन स्वैप. जीरो कूपन में क्या होता है, वी डोंट हैव एनी कूपन, वी जस्ट पे द फाइनल अमाउंट, दैट इज देयर. एमोर्टाइजिंग स्वैप में क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे 50 मिलियन था ना हमारा नोशनल अमाउंट, तो ये जो नोशनल अमाउंट है जिसके ऊपर 6% ऑफ 50 मिलियन, तो ये जो नोशनल अमाउंट है ये डिक्रीज होता है विथ टाइम. सो दैट्स योर एमोर्टाइजिंग. स्टेप अप इज उल्टा, मतलब ये जो हमारा अमाउंट है ये इंक्रीज होगा. 50 मिलियन नेक्स्ट ईयर हो गया 60 मिलियन, फिर 70 मिलियन, उस पे 6% पे करना है वैसा. उसके बाद डेफर्ड स्वैप इज बेसिकली अभी तुरंत नहीं स्टार्ट हो रहा है स्वैप अरेंजमेंट, इट इज मे बी. सो बेसिकली मी एंड निहारिका वी आर एंटरिंग इन टू अ स्वैप अरेंजमेंट नाउ, एंड वी आर सेइंग दैट आफ्टर 3 ईयर्स वी विल स्टार्ट टू पे ईच अदर, दैट्स योर डेफर्ड स्वैप. कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी स्वैप इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सपोज ए है एंड बी है, ठीक है. सो ए पे कर रहा है 6% एंड बी पे कर रहा है लिबोर, एंड दिस इज हैपनिंग ईयरली. तो ये जो लिबोर रेट्स है ये पर एनम रेट्स है, बट सीएमएस में क्या होता है ना, सीएमएस में ये जो रेट्स होते हैं दिस रेट कैन हैव अ हायर मेच्योरिटी. लेट्स सपोज हम जो लिबोर रेट्स यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ 5 ईयर्स. बहुत सारे लिबोर रेट्स आते हैं 3 ईयर के, 5 ईयर के, 1 ईयर के, 3 मंथ्स के, 9 मंथ्स के, 6 मंथ्स के, तो सारे लिबोर रेट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. तो ये 5 मंथ का 5 ईयरली लिबोर रेट यूज कर रहे हैं. नाउ लेट्स सपोज अब इसमें क्या होता है, इसमें खाली थ्योरी आता है, सम नहीं आता. सो लेट्स सपोज टाइम वन पे हम लोग को पे करना है 6%, तो फिक्स्ड है जो ए पे करने वाला है. बी जो पे करेगा ना उसका अभी इस समय पता चलेगा हम लोग को क्या इंटरेस्ट रेट होगा, एंड दैट इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली 5 5 ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ लिबोर वॉट एवर इज देयर एट टाइम जीरो. अगेन टाइम टू पे जो पेमेंट होगा 6% तो फिक्स्ड है, बट जो लिबोर होगा वो इस समय डिसाइड होता है, टाइम वन पे डिसाइड होता है. एंड अगेन टाइम वन पे हम 5 ईयरली रेट क्या है अवेलेबल इन द मार्केट इन टाइम वन वो हम उस समय पे करेंगे. तो वैसा होता है पूरा कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी स्वैप, जहाँ पे जो फ्लोटिंग लेग है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग लेग. ये जो फ्लोटिंग लेग होता है ना ये बड़ा होता है दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन. क्लियर, देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फ्लोटिंग लेग इज लॉन्गर मेच्योरिटी दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेमेंट. अंडरस्टूड कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी स्वैप. इसका खाली थ्योरी आएगा 2 मार्क्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, या फिर कहीं इनडायरेक्टली यूज हो जाए. देन वी हैव एक्सटेंडेबल स्वैप. सो अगेन एक पार्टी के पास राइट है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव द राइट टू एक्सटेंड, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स हो गया एंड आई एम सेइंग दैट मुझे और 2 ईयर्स के लिए स्वैप अरेंजमेंट एक्सटेंड करना है, एंड मेरे को वो राइट मिला है. कोई भी चीज का अगर आपको राइट मिले तो आपको एक फी पे करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली मे बी आई एम पेइंग अ फी फॉर इट एंड आई एम गेटिंग अ राइट. पेंशन फंड्स में यूजुअली अगर हम बोले तो हो सकता है कि पेंशन फंड है तो उसको अगर ये राइट मिला हुआ है तो वो देख रहा है उसको फिक्स मिल रहा है स्वैप में एंड वो फ्लोटिंग पे कर रहा है, तो वो देख रहा है कि इन फ्यूचर फ्लोटिंग और डिक्रीज हो सकता है तो वो एक्सटेंड कर देगा अपने स्वैप अरेंजमेंट को. Putable is opposite. Putable is basically the company will have the right to stop the swap whenever they want. तो ये पूरा different types of interest rate swap है. Understood?
नेक्स्ट इज करेंसी स्वैप. सो जस्ट लाइक योर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होता है और करेंसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट. सो फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं. कंपनी बी ए है एंड बी है, एंड कंपनी ए विल पे आउट 50 मिलियन पाउंड्स एट फिक्स्ड टू बी एट फिक्स परसेंट एट फिक्स रेट ऑफ 5%. कंपनी ए क्या कर रहा है बेसिकली, फिर बोरो कर रहा है 75 डॉलर्स एंड 4% पे. तो इसको समझो, कंपनी ए क्या कर रहा है, वो लेंड कर रहा है 50 मिलियन. तो टाइम जीरो पे कंपनी ए 50 मिलियन पे करेगा, 50 मिलियन पाउंड्स पे करेगा. उसके बदले उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा बी से. तो 5% ऑफ 50 मिलियन होता है 2.5. तो 2.5 का देखो इंटरेस्ट मिल रहा है, 2.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है टाइम वन पे, टाइम टू पे. एंड टाइम थ्री पे क्या होगा, मुझे 50 मिलियन वापस से दोबारा मिल जाएगा बिकॉज आई एम लेंडिंग, राइट? तो मेरे को 50 मिलियन पूरा मिलेगा, 50 प्लस 2.5 उस समय का इंटरेस्ट. दिस इज व्हाट कंपनी ए का ट्रांजैक्शंस लुक लाइक इन पाउंड्स. अब वो बोरो कर रहे डॉलर्स में, ठीक है, वो बोरो कर रहे डॉलर्स में. तो डॉलर 75 पे आई एम बोरोइंग, तो मुझे मिल रहा है अभी टाइम जीरो पे. आई एम पेइंग अ 4% इंटरेस्ट, 4% ऑफ 75 इज 3. तो 3 मिलियन मुझे पे करना पड़ेगा एंड 78 ऑल इन ऑल 75 प्लस 3 मिलियन मुझे पे करना पड़ेगा इन डॉलर्स एट टाइम थ्री. तो ये पूरा कंपनी ए का अरेंजमेंट है, कंपनी ए का बेसिकली ट्रांजेक्शन है. ये क्लियर है क्या? देख लो एक बार. सो इसमें क्या होता है ना, हाउ इज इट डिफरेंट देन इंटरेस्ट रेट स्वैप? इसमें इंटरेस्ट रेट भी एक्सचेंज हो रहे हैं हमारे, देख लो, हमारा इंटरेस्ट रेट 2.5 2.5 भी एक्सचेंज हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम द नोशनल अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज ऑल्सो गेटिंग एक्सचेंज. और ये जो रेशियो है ना 75 डॉलर्स एंड 50 पाउंड्स का, दिस इज एज पर द एक्सचेंज रेट. टाइम जीरो पे क्या एक्सचेंज रेट है उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स होता है. यूजली पाउंड इज मोर एक्सपेंसिव एज यू कंपेयर इट विद डॉलर्स. तो इसीलिए 75 डॉलर्स इज इक्विवेलेंट टू 50 मिलियन पाउंड. क्लियर? एक बार यस नो बोल दो. यस ठीक है निहारिका. यस यस तो ये पूरा है. फिर यहाँ पे देखो, इन्होंने इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये हम लोग स्वैप वैल्यूएशंस में एक्चुअली करेंगे. देखो यहाँ पे क्या किया है. सो दिस इज वेरी बेसिक, इसका ना एक सम करवा दूंगी मैं नेक्स्ट क्लास फ्रॉम रिविजन नोट एक मॉडल के साथ, तो क्लियर हो जाएगा. सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, 2. यहाँ पे हम कंपनी ए का ही निकाल रहे हैं, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन एक बार रीड करो, ये वाला आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है पर इजी है. देखो सो बेसिकली क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब एक साल ऑलरेडी खत्म हो चुका है स्वैप को एंड इट्स अ 3 ईयर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट. द स्टर्लिंग इंटरेस्ट रेट और या फिर द पाउंड इंटरेस्ट रेट इज नाउ 4.5%. डॉलर इंटरेस्ट रेट इज 3.75%. तो ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया. हमारे केस में यहाँ पे इट वॉज फिक्स्ड, ठीक है, अभी भी स्वैप अरेंजमेंट कंटिन्यू हो रहा है. सो यू विल नॉट चेंज दीज, बट द मार्केट रेट्स कैन चेंज, राइट? 4% एंड 5% फिक्स्ड है, बट द मार्केट रेट्स कैन चेंज. तो मार्केट रेट्स हैज चेंज्ड एंड दीज आर ऑल कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट्स, बेसिकली डेल्टा. एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट उस समय का ये दिया गया. सो दिस हैज ऑल्सो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट विल ऑल्सो चेंज. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ द स्वैप टू कंपनी ए? तो एक बार पहले करने के पहले यहाँ हम लोग समझ लेते हैं क्विकली कि ये हो क्या रहा है. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं टाइम जीरो, टाइम वन, टाइम टू एंड टाइम थ्री, यहाँ पे हम खड़े, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं. कंपनी ए खड़ा है बेसिकली. कंपनी ए को स्टर्लिंग में कितना पे करना, स्टर्लिंग में पाउंड्स में उसको मिलेगा, ठीक है, पाउंड्स में उसको कितना मिलने वाला है, 2.5. और ये क्योंकि ये वाला 2.5 ऑलरेडी वो पे कर चुका है तो हम लोग को उससे मतलब ही नहीं है. हम यहाँ करें, यहाँ हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑफ माई रिमेनिंग स्वैप टर्म. तो मुझे प्लस 2.5 प्लस 52.5
पाउंड्स मिलने वाला है, येस और नो? दिस इज इन पाउंड्स, ये मुझे मिलने वाले हैं। इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी वी स्क्वायर करके निकालेंगे, ये क्लियर है? हाँ ठीक है, तो अब ये जो वी है ना, दिस विल बी कैलकुलेटेड एट द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज कितना दिया हुआ है? 4.5%। ठीक है, तो ये हम 4.5, दिस इज कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड, तो हम क्या करेंगे? 2.5 e to the power -4.5% +52.5 e to the power -4.5% into 2। ठीक है, तो ये जो भी हमारा आया, दैट्स इन पाउंड्स जो हमें मिल रहा है, बदले में उसको डॉलर्स में पे करना था, $3 पे करना था, तो $3 वो पे कर रहा है। अगेन इसको हम डिस्काउंट करेंगे यहाँ से एंड यहाँ से, $78, एंड डॉलर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 3.75%। तो देख लो यहाँ पे, आंसर से ही देख लेते हैं, 3.75%, तो ये हमारा डॉलर्स में आ गया प्रेजेंट वैल्यू, बट उन्होंने स्टर्लिंग में निकालने बोला है, तो एक्सचेंज रेट इज गिवन $1.41 इज 1 pound, तो यूनिटरी मेथड लगाओ, 75.254 कितना पाउंड हो जाएगा? वील जस्ट सिंपली डिवाइड दिस बाय 1.41 एंड वील गेट द पाउंड्स। सो दिस वी हैव टू पे एंड दिस इज व्हाट वी आर रिसीविंग। तो हमारा कंपनी ए का एट टाइम वन कितना का लॉस है फ्रॉम द स्वैप? -3 million का। एंड दिस हैज हैपेंड बिकॉज द स्टर्लिंग रेट्स हैव फॉलन एंड इवन द डॉलर्स हैव फॉलन, बट कितना से फॉल होता है दैट्स द मैटर, एंड ऑल्सो एक्सचेंज रेट। सो तीन दोनों का इम्पैक्ट आता है, एक्सचेंज रेट का भी इम्पैक्ट आता है, इंटरेस्ट रेट का भी इम्पैक्ट आता है। ये वाला चीज क्लियर है? एक बार देख लो प्लीज, दिस इज इजी और मेरे को ये फिर भी क्लियर है। रचिता निहारिका अंकित में तो हाँ क्लियर है। हाँ क्लियर अब एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में दे गिव यू दीज वैल्यूएशन। अब उन लोग ना 3 years का यूजली नहीं देते, 5 years का देते हैं, 6 years का देते हैं, एंड उन लोग ना फॉरवर्ड रेट्स दे देते हैं, सिलिबॉर रेट्स दे देते हैं, एंड उसका बोलते हैं कि बताओ कि कंपनी के लिए कंपनी का क्या प्रॉफिट आ रहा है एट टाइम वन, एट टाइम टू, अगेन पॉइंट टाइम फाइव पे भी, 0.5 पे बताओ क्या आ रहा है। तो काफी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे वो घुसाते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड अगेन अनदर थिंग व्हाट दे डू इज कि फिक्स रेट निकालने को बोलते हैं, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि टाइम जीरो पे वैल्यू ऑफ स्वैप इज ऑलवेज जीरो टू बोथ द पार्टीज। सपोज मी एंड निहारिका वी आर एंटरिंग इन टू अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली हम लोग का टाइम जीरो पे वैल्यू जीरो रहेगा, नहीं तो हम लोग क्यों स्वैप अरेंजमेंट में एंटर। अगर निहारिका का पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द नेट कैश फ्लो जो निहारिका को मिल रहा है दैट इज पॉजिटिव, एंड मेरे लिए वो जीरो है या फिर नेगेटिव है, तो मैं क्यों एंटर करूंगी स्वैप में, राइट? तो इट शुड बी जीरो फॉर बोथ द पार्टीज, इट शुड बी जीरो फॉर बोथ द पार्टीज। तो वो कॉन्सेप्ट लेके भी हम लोग देखते हैं कि उससे भी सम्स आते हैं, तो दो तीन सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अदर टाइप्स ऑफ स्वैप आर वेरी सिंपल, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास इसको फिनिश कर लेंगे, बट द थिंग इज कि इसमें ना पूरा वैल्यूएशन नहीं, मैं आप लोग को समझा देती हूँ, बट वैल्यूएशन और ज्यादा चैप्टर 12 में है, 13 में है, एंड कुछ कुछ सम्स हैं इजियर, दैट्स देयर इन योर बुकलेट टू। तो प्लीज इसको एक बार स्टार्ट करो पढ़ना, वरना ना अगर स्टार्ट नहीं करोगे पढ़ना तो फिर कंफ्यूजन होगा आगे के चैप्टर्स में। एंड ये वाला जस्ट रीड द चैप्टर एटलीस्ट, और कुछ भी नहीं तो चैप्टर 4 एक बार ना यहाँ तक गो थ्रू कर लो, ट्राई करो ये करने का। ठीक है, कुछ पूछना है फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। कुछ भी पूछना है निहारिका अंकित सुचिता बोलो। नहीं, नो डाउट्स। ठीक है, तो प्लीज एक बार थोड़ा जस्ट टेक आउट 1 hour एंड गो थ्रू द पार्ट, ताकि आगे का ना क्लियर हो जाए, एंड ये मैं शेयर कर दूंगी जो भी मैंने लिखा है, क्योंकि कंपेरेटिव एडवांटेज वाला सम इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, और चलो फिर सेम टाइम पे मिलते हो, और क्या, बाय 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 बाय।